नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, महानिदेशक स्कूल शिक्षा का एक नया आदेश आया है जो विद्यालय स्तर पर आवश्यक पंजिकाओं के रखरखाव और अद्यतन करने के संबंध में है। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कौन सा आदेश आया है और कौन कौन सी पंजिकाओं का रखरखाव करना है, कौन कौन सी पंजिकाओं को अद्यतन करना है। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या आदेश आया है। ये आदेश आया है महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय से और ये प्रेषित किया गया है सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को। पत्रांक है 11/312 और दिनांक है 31 मार्च 2021। विषय है विद्यालय स्तर पर आवश्यक पंजिकाओं की रखरखाव और अद्यतन करने के संबंध में। उपयुक्त विषयक आप अवगत है कि शासनादेश संख्या 867/68/5/2020 दिनांक 14 अगस्त 2020 एवं महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश के पत्रांक 33/02 दिनांक 19 अगस्त 2020 के माध्यम से टाइम एंड मोशन स्टडी के आधार पर शैक्षणिक कार्यों के लिए समय अवधि एवं कार्यों के साथ साथ विद्यालय स्तर पर वृहत की जाने वाली पंजिकाओं के संबंध में अवगत कराया गया है। तत्क्रम में परिषदीय विद्यालयों में 13 पंजिकाओं प्रारूप इनके साथ संलग्न है को व्यवहृत और अद्यतन किया जाना है। आय व्यय पंजिका एवं चेक इश्यू पंजिका को समेकित करते हुए एक पंजिका निर्मित की गई है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी पंजिका विद्यालय स्तर पर वृहत नहीं की जाएगी। पूर्व की शेष पंजिकाओं को अभिलेख के रूप में संरक्षित रख उन्हें विद्यालय स्तर पर सुरक्षित रखा जाएगा। विद्यालय स्तर पर रखी जाने वाली पंजिकाओं का विवरण निम्नलिखित है। अर्थात अब केवल विद्यालय में 13 पंजिकाएं रहेंगी, बाकी जितनी भी पंजिकाएं हैं वो आपको विद्यालय स्तर पर सुरक्षित रखनी है। सभी पंजिकाएं आपकी बंद हो जाएंगी, 13 पंजिकाएं नए सिरे से शुरू होंगी। इनमें पहली पंजिकाएं है हमारी शिक्षक डायरी। शिक्षकों द्वारा साप्ताहिक शिक्षण योजना बनाने और तदनुसार शिक्षण अधिगम कार्य संचालित करने के उद्देश्य से शिक्षक डायरी विकसित की गई है। इस पंजिका में शिक्षक द्वारा साप्ताहिक शिक्षण योजना निर्मित कर अंकित की जाएगी तथा तदनुसार ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्रियान्वित किया जाएगा। प्रधानाध्यापक द्वारा शिक्षक डायरी की नियमित समीक्षा की जाए तथा शिक्षक को इसके सही उपयोग के लिए अपेक्षित सहयोग भी प्रदान किया जाए। SRG और ARP सदस्यों द्वारा विद्यालय भ्रमण के दौरान शिक्षक डायरी में अंकित विभिन्न मानकों के संबंध में चर्चा परिचर्चा की जाए तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को अपेक्षित सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान किया जाए। अब हमारी दूसरी पंजिका होगी कार्मिक उपस्थिति पंजिका। जो हमारी अध्यापक उपस्थिति पंजिका होती थी उसका नाम हो गया है अब कार्मिक उपस्थिति पंजिका। विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों एवं रसोइयों की उपस्थिति अंकित करने हेतु समेकित कार्मिक पंजिका का प्रावधान किया गया है, जिसमें उनसे संबंधित मुख्य जानकारी को यथास्थान अंकित किया जाएगा, जैसे EHRMS कोड, शैक्षिक योग्यता, कार्मिक फोटो, आधार संख्या, पैन नंबर आदि का विवरण। इस पंजिका में विद्यालय में कार्यरत सभी कार्मिकों द्वारा प्रतिदिन अपनी उपस्थिति, प्रतिदिन विद्यालय आगमन और प्रस्थान का समय तथा स्वयं का हस्ताक्षर अंकित किया जाएगा। शिक्षकों द्वारा निर्धारित स्थान पर वर्तमान माह और वर्ष में लिए गए कुल अवकाशों की संख्या अंकित की जानी है। तीसरी पंजिका हमारी होगी प्रवेश पंजिका। इसमें विद्यार्थियों के नामांकन के समय संपूर्ण विवरण दर्ज किया जाएगा, जैसे नाम, लिंग, जन्म तिथि आदि। इसमें बच्चों के माता पिता का विवरण व आधार संख्या भी दर्ज की जानी है। अंतिम कक्षा उत्तीर्ण व अन्यत्र गमन हेतु स्थानांतरण प्रमाण पत्र निगमन का विवरण भी प्रवेश पंजिका में अंकित किया जाएगा। छात्र का प्रेरणा पोर्टल पर नामांकन करते हुए सिस्टम द्वारा एक यूनिक पहचान पत्र प्रदान की जाएगी, जिसे प्रधानाध्यापक द्वारा पंजिका में यथास्थान अंकित किया जाएगा। उसके बाद चौथी पंजिका है हमारी विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका। विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका के दो भाग हैं।
प्रथम भाग में कक्षा के समस्त विद्यार्थियों का संपूर्ण विवरण दर्ज किया जाएगा, जैसे नाम, लिंग, जन्मतिथि आदि। इसमें बच्चों के माता पिता का विवरण व आधार संख्या भी अनिवार्य रूप से अंकित की जाएगी। बच्चों का बैंक खाता संबंधी विवरण भी इस पंजिका में अंकित किया जाएगा। पंजिका के दूसरे भाग में विद्यालय में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों की दैनिक उपस्थिति अंकित की जाएगी। यह पंजिका प्रतिदिन अद्यतन की जाएगी। उसके बाद पांचवी पंजिका हमारी होगी MDM पंजिका। MDM पंजिका मध्याह्न भोजन प्राधिकरण द्वारा प्रेषित दिशा निर्देशों के अनुरूप ही पूर्वव्रत व्यवृत की जाएगी। इसमें मिड डे मील संबंधी समस्त विवरण यथा लाभार्थी संख्या, मेनू, खाद्यान्न व्यय आदि का विवरण यथास्थान अंकित किया जाएगा। इसमें प्रतिदिन मिड डे मील प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या व इसके आधार पर कन्वर्जन कास्ट आदि का विवरण अंकित किया जाएगा। यह पंजिका भी प्रतिदिन अद्यतन की जाएगी। उसके बाद छठी पंजिका हमारी होगी निःशुल्क सामग्री वितरण पंजिका। इस पंजिका में विद्यार्थियों को प्रदान किए जाने वाले समस्त निःशुल्क वस्तुओं का विवरण यथास्थान अंकित किया जाएगा, जैसे पाठ्यपुस्तक, बैग, यूनिफॉर्म, जूता, मोजा, स्वेटर आदि। प्रत्येक विद्यार्थी के माता पिता और अभिभावक का हस्ताक्षर भी यथास्थान अंकित कराया जाएगा। निःशुल्क सामग्री के वितरण के समय इस पंजिका को अद्यतन किया जाएगा। विभिन्न परीक्षाओं के प्राप्त रिपोर्ट कार्ड और वितरण का विवरण वितरण पंजिका में यथास्थान अंकित किया जाएगा। उसके बाद है आपकी स्टॉक पंजिका। इस पंजिका में विद्यालय की संपूर्ण परिस्थितियों, वस्तुओं, पंजिकाओं आदि का विवरण अंकित किया जाएगा। इसमें क्रय की गई सामग्री का विवरण, जैसे सामग्री का नाम, प्रकार, व्यय राशि, निर्माता, प्रकाशक का नाम आदि लिखा जाएगा। निकासी की गई सामग्री का विवरण भी इस पंजिका में अंकित किया जाएगा। इसमें अंकित समस्त विवरणों का सत्यापन प्रधानाध्यापक द्वारा किया जाएगा। जब भी किसी वस्तु का क्रय या निकासी की जाए, इस पंजिका को अद्यतन किया जाएगा। नेक्स्ट पंजिका है हमारी आय व्यय और चेक इश्यू पंजिका। इस पंजिका में विद्यालय में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आय और व्यय का विवरण अंकित किया जाएगा। इस पंजिका को तीन भागों में विभाजित किया गया है, MDM, SMC तथा अन्य। MDM, SMC तथा अन्य मदों से संबंधित आय व्यय का विवरण पंजिका के संबंधित भाग में अंकित किया जाएगा। प्राप्त धनराशि वितरण वाले भाग में प्राप्त धनराशि का विवरण, बैंक विवरण, प्रेषणकर्ता तथा मद का नाम लिखा जाएगा। व्यय धनराशि वितरण वाले भाग में व्यय धनराशि, चेक संख्या, कार्यदायी संस्था का नाम, व्ययकर्ता का नाम व हस्ताक्षर अंकित किया जाएगा। प्रधानाध्यापक द्वारा भी यथास्थान पंजिका में हस्ताक्षर किए जाएंगे। उसके बाद है हमारी बैठक पंजिका। इस पंजिका में विद्यालय से संबंधित समस्त समितियों, जैसे विद्यालय प्रबंध समिति, अध्यापक, अभिभावक संघ, माता समूह आदि का बैठक एजेंडा, कार्यव्रत तथा उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर अंकित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त मीना मंच गठन, बाल संसद गठन, रसोईया चयन आदि कार्रवाई संबंधी समस्त विवरण भी इस पंजिका में दर्ज किए जाएंगे। विद्यालय में आहूत बैठकों के दौरान इस पंजिका को अद्यतन किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी निरीक्षण पंजिका। यह पंजिका मुख्यतः प्रशासनिक अधिकारियों, टास्क फोर्स के सदस्यों और विभागीय अधिकारियों के निरीक्षण के समय प्रयोग की जाएगी। इस पंजिका में निरीक्षण वाले दिन कुल उपस्थिति विद्यार्थियों व अध्यापकों की संख्या अंकित की जाएगी। इसके साथ साथ निरीक्षणकर्ता मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता व विद्यालय की शैक्षिक व भौतिक परिवेश के संबंध में संक्षिप्त टिप्पणी भी दर्ज करेंगे। 11वें नंबर पर हमारी पंजिका है पत्र व्यवहार पंजिका। इस पंजिका में विद्यालय संबंधित निर्गत और आगम पत्रों का विवरण अंकित किया जाएगा। इसमें पत्र का सारांश, पत्र संख्या भी लिखा जाएगा, साथ ही पत्र प्रेषण हेतु टिकट या व्यय, रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट का मूल्य भी अंकित किया जाएगा। इस पंजिका को नियमित रूप से अद्यतन किया जाएगा। उसके बाद बाल गणना पंजिका। इस पंजिका में विद्यालय के सेवित क्षेत्र के 3 से 8 व्यय वर्ग के समस्त बच्चों का विवरण अंकित किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह है कि विद्यालय के पास सेवित क्षेत्र के समस्त बच्चों की जानकारी संकलित हो सके, ताकि गैर नामांकित बच्चों का विद्यालय में नामांकन और अध्ययन सुनिश्चित किया जा सके। और लास्ट हमारी पंजिका होगी पुस्तकालय एवं खेलकूद पंजिका। इस पंजिका के दो भाग हैं, पुस्तकालय आवंटन का विवरण एवं खेलकूद सामग्री का विवरण। इस पंजिका में पुस्तकालय वाले भाग में पुस्तकों के इश्यू व उनके विवरण वापसी का विवरण दर्ज किया जाएगा। पुस्तक के निर्गमन की तिथि व प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर, पुस्तक की वापसी की तिथि व प्रभारी का हस्ताक्षर अंकित किया जाएगा। इस पंजिका का उद्देश्य बच्चों में पढ़ने की आदत का विकास करना तथा उनका ब्यौरा रखना है। खेलकूद सामग्री वाले भाग में खेलकूद सामग्री का नाम, निर्गमन तिथि, प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर आदि विवरण यथास्थान अंकित किए जाएंगे। इस पंजिका को नियमित तौर पर अद्यतन किया जाएगा।
उक्त सभी पंजिकाओं के संबंध में निर्देश भी दिए गए हैं। उक्त पंजिकाएं नवीन शैक्षणिक सत्र 2021-22 से प्रयोग में लाई जाएंगी। उक्त पंजिका के क्रय आदि का होने वाला व्यय विद्यालयों को पेशित कंपोजिट ग्रांट से किया जाएगा। शिक्षक डायरी शिक्षकों के पास रहेगी। अन्य समस्त पंजिकाएं प्रधानाध्यापक कक्ष में सुव्यवस्थित और सुरक्षित उपलब्ध होंगी। बच्चों एवं विद्यालय के रिपोर्ट कार्ड ऑनलाइन उपलब्ध होने के कारण पृथक पत्रावली में प्रिंट रूप में संरक्षित रखे जाएंगे। समस्त पंजिकाओं का रखरखाव उन्हें अद्यतन किया जाना आवश्यक है। राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा निर्देशित प्रारूप पर ही पंजिकाएं व्यवस्थित की जाएंगी। राज्य एवं जनपद स्तर के अधिकारियों के विद्यालय भ्रमण के दौरान समस्त पंजिकाएं विद्यालय में अवलोकनार्थ उपलब्ध कराई जाएंगी। उक्त पंजिकाओं के अतिरिक्त विद्यालयों में अन्य कोई पंजिका उपयोग में नहीं लाई जाएगी और पूर्व की शेष पंजिकाएं अभिलेख के रूप में संरक्षित की जाएंगी। उक्त इंगित पंजिकाओं से प्रवेश पंजिका का विवरण MDM पंजिका निरीक्षण पंजिका के ऑनलाइन विकल्प प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध होंगे, जिसमें समय समय पर यथा आवश्यकता अनुसार अद्यावधिक किया जाएगा। प्रेरणा पोर्टल के विभिन्न मॉड्यूल से इन पंजिकाओं में अंकित विवरण भी प्रमाणित माने जाएंगे। उसके बाद नंबर 8, बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत एक परिसर में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक के संविलियन के पश्चात छात्र प्रवेश पंजिका में किए गए संशोधन के संबंध में शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश कार्यालय द्वारा प्रेषित पत्र संख्या 64887 64982 2020-21 दिनांक 22 दिसंबर 2020 में पदत निर्देशानुसार कार्रवाई की जाएगी। तत्क्रम में निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा कृत कार्रवाई की आज्ञा राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ को उपलब्ध कराई जाए। तो ये आदेश दिए हैं विजय किरण आनंद जी ने, तो इसका आपको पालन करना है। यही पंजिकाओं आपके विद्यालय में होंगी। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।